हेलो दोस्तों, डिजिकन सीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के फॉर्म जो अभी 16 तारीख तक डल रहे हैं उसके विषय में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा पाँचवीं क्लास में पढ़ता है और छठवीं क्लास से उसको नवोदय में आवेदन करना है, नवोदय में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। वो कैसे करना होगा वो हम आगे आपको वीडियो में बताएँगे। तो अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय में देखना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से 16 तारीख के पहले पहले फिल कर लें। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है नवोदय विद्यालय की। उसके बाद उस फॉर्म को स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा फिल करवा कर और आप फॉर्म को फिल ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय की समिति की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 5-6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो पहली ही जो आपकी लिंक है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 GNVT 2025-16, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यस को पहले वाले को आपको नो करना है और दूसरे वाले को भी आपको नो ही करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं खुलेगा और ना ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ दो याद रखना है कि दो ऑप्शन जो हैं वो उसको नो करना है और उसके बाद नीचे के ऑप्शन अब आपको यहाँ पर भी यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है, यानी कि सारे जो फील्ड हैं उसको यस कर दें। यहाँ आधार नंबर की बसाय में पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं। हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर हमें डाल देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिया है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद OTP हमारे पास हमारे नंबर पर पहुंच जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन हमारे पास अभी OTP नहीं प्राप्त हो पाया तो हमने यहाँ पर जो माता पिता का निवास प्रमाण पत्र है कोई किसी का भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ निवास प्रमाण पत्र से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र डाल दिया है। इसके बाद फिर से एक बार सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों फील्ड आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद जैसे स्कूल में अभी आप बच्चा आपका पढ़ रहा है या आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। स्कूल का नाम डालने के बाद यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, यानी कि जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, स्वयं भर रहे हैं तो स्वयं, और अगर माता पिता भर रहे हैं तो बच्चे का नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चे का नाम डाल दिया है। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर माता पिता का भी डाल सकते हैं, स्वयं अगर बच्चा चलाता है तो उसका भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब तो नंबर डालने के बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम, जो आपका फॉर्म आपने प्रिंसिपल से फिल करवाया था उस पर जानकारी सारी भरी होगी, तो उसी में देखकर आप अपना माता का नाम, बच्चे की माँ का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद पिताजी का नाम डालना है, यानी या अभिभावक का नाम जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और दिखाई देंगे, नेम ऑफ गार्जियन और रिलेशनशिप। तो यहाँ अगर गार्जियन है कोई तो उसका नाम डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद इंडियन ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, यहाँ पर वो फॉर्म जो आपने लिया है उस पर ये भी भरा होगा आइडेंटिटी मार्क, तो उसको भी आपको यहाँ पर डाल देना है जो कुछ आपका उस पर लिखा है। मेरा जैसा मैं फॉर्म में लिख के दिया था उसके पेरेंट्स ने, मैं उसी तरह से इसको फिल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर में हम जो भी जेंडर है उसका सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करता है जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस उसका है, तो यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया है। आधार कार्ड पर देखकर आप इसका लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड आप जो भी है वो भी डाल सक वो डाल सकते हैं। इसके बाद मीडियम किस माध्यम से वो पेपर देना चाहता है, हिंदी में इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पर एक मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भर देना है। इसके बाद अगर विकलांगता है कोई तो उसको डाल देंगे, अगर नहीं है तो नन पर क्लिक, नन नहीं रहने देते हैं यहाँ पर। इसके बाद एनुअल इनकम, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5 का जो अभी अध्ययनरत है उसका यहाँ पर डिटेल देना है, तो वो आपके फॉर्म में भरी होगी, तो आप वैसे ही इस पर भी भर दीजिए। तो हम जब तक ये जानकारी भर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी आप यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी नहीं होता तो हमने ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर गांव सेलेक्ट करना है, अर्बन क्षेत्र में आता है या रूरल क्षेत्र में आता है, मतलब गांव या शहर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका डेट सेलेक्ट करनी है पेपर की। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार की फ़ोटो, तो हम यहाँ से पहले से हमने स्कैन करके रखी हुई है, तो हम उम्मीदवार का फ़ोटो डाल देते हैं। इसके बाद उम्मीदवार के दस्तखत, इसके बाद आवेदक के यहाँ पर हमें पिता का हस्ताक्षर भी डालने हैं, जो आपको फॉर्म पर इजीली मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको स्कैन करके रख लें। इसके बाद जो फॉर्म हमने भरवाया था उसको भी फिर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप सारी डिटेल को एक बार चेक कर, आपको यहाँ सेव और प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट के लिए आ गया। यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल की है उसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके बाद देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से बिल्कुल चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेसन, ये आपका फॉर्म डल गया है, नीचे क्लिक करने के लिए आ रहा है प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे और नीचे आएंगे, यहाँ प्रिंट का बटन आपको दिखेगा, यहाँ से आप फॉर्म प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो आशा करते हैं या आप सेव करके रख लीजिए या प्रिंट निकाल के आगे आपको ये एडमिट कार्ड निकालने के समय काम आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।